नमस्कार दोस्तों, मैं हेमंत बरुआ एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूँ प्लैनेट्स एंड हाउसेस में। आज हम बात करने वाले हैं धनु राशि यानी सैजिटेरियस जोडिक साइन वाले सभी दोस्तों के लिए वर्ष 2019 कैसा रहने वाला है। दोस्तों, मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ आपकी फैमिली लाइफ, पर्सनल लाइफ और आपकी मैरिड लाइफ कैसे रहने वाली है। यहाँ तक कि हम बात करेंगे एजुकेशन कैसी रहने वाली है, आपका करियर कैसे रहने वाला है, आपकी जॉब या बिजनेस कैसा रहने वाला है। तो हम इन सभी एरियाज़ के बारे में बात करने वाले हैं, तो इसलिए प्लीज़ पूरा वीडियो ध्यान से देखें। पर आगे बढ़ने से पहले फ्रेंड्स, मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूँगा कि यदि अभी तक आपने मेरा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ज़रूर क्लिक करें। इससे आपको मेरे आने वाले सभी वीडियोज़ के बारे में तुरंत पता चल जाएगा। फ्रेंड्स, मैं इस वीडियो में ग्रह गोचर यानी प्लैनेटरी ट्रांजिट के बारे में बहुत ज़्यादा बात नहीं करने वाला हूँ और ना ही इसके बारे में बहुत ज़्यादा ज्ञान देने वाला हूँ। हम सीधा बात करेंगे कि वर्ष 2019 में होने वाले इन प्लैनेटरी ट्रांजिट की वजह से आपके जीवन पर क्या प्रभाव होगा। तो आइए एक नज़र डालते हैं वर्ष 2019 में आपकी कुंडली कैसी दिखने वाली है और जल्दी से जान लेते हैं कि कौन कौन से ग्रह किस राशि में गोचर करने वाले हैं। दोस्तों, 2019 की शुरुआत में धनु राशि में शनि वृश्चिक राशि में गुरु से होगी और 6 मार्च को राहु मिथुन राशि और केतु धनु राशि में होंगे। 29 मार्च को बृहस्पति धनु राशि में प्रवेश करके 23 अप्रैल को वापस वृश्चिक राशि में आ जाएंगे और एक बार फिर से बृहस्पति 5 नवंबर को धनु राशि में प्रवेश करेंगे और शनि भी 30 अप्रैल से 18 सितंबर तक वक्री रहेंगे और फिर मार्गी हो जाएंगे, मतलब डायरेक्ट हो जाएंगे। और राहु 7 मार्च से सप्तम भाव में मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे और केतु प्रथम भाव में धनु राशि में प्रवेश करेंगे। तो आइए जानते हैं इन सभी प्लैनेटरी ट्रांजिट का आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। दोस्तों, पिछले साल शनि ने आपसे काफ़ी भागदौड़ करवाई, पर इस वर्ष आपको उन सभी मेहनत का फल मिलने वाला है। तो इसलिए आप प्लीज़ अपनी प्रायोरिटीज सेट कर लीजिए कि आपको जीवन में आगे क्या करना है और उसी तरफ अपनी सारी एनर्जी लगाने की कोशिश करें। धनु राशि वाले सभी जातकों के लिए फरवरी से मार्च के बीच में जॉब चेंज करने के लिए बहुत स्ट्रांग योग बना हुआ है। यदि आप जॉब चेंज करना चाहते हैं तो इंटरव्यू की तैयारी शुरू कर दीजिए और जो भी रिक्वायर्ड स्किल सेट है उसकी तरफ भी अपना ध्यान लगाएं। और एक चीज़ और, यदि आप अपना कोई बिजनेस शुरू करना चाहते हैं या किसी तरह की कंसल्टेशन शुरू करना चाहते हैं तो उसके लिए भी बहुत अच्छा योग बना हुआ है। हो सकता है कि रिज़ल्ट मिलने में आपको थोड़ा सा डिले ज़रूर हो, पर आपको रिज़ल्ट मिलेंगे ज़रूर। और एक चीज़ और कि प्लीज़ ऑफिस में या बिजनेस में किसी भी तरह की बहसबाजी से बचें और जो अपनी एनर्जी है उसे सिर्फ अपने गोल की तरफ ही केंद्रित करें। और यदि परिवार की बात करें तो इस वर्ष आप अपने परिवार की फिनेंशियल और हेल्थ सिक्योरिटी को लेके काफ़ी ज़्यादा कंसर्न रहने वाले हैं। हो सकता है कि आप घर में किसी तरह का सुरक्षा उपकरण लगाने का भी विचार करें और अच्छी इंश्योरेंस पॉलिसी की तरफ भी आपका ध्यान जा सकता है। इस वर्ष आपको या आपके परिवार में किसी को पालतू पशु या पक्षी के प्रति प्रेम महसूस हो सकता है और हो सकता है कि आप अपने घर में किसी तरह का पालतू पशु या पक्षी लेकर आएँ। और फ्रेंड्स, इस वर्ष आपका बहुत अच्छा योग बना हुआ है कि आप अपने परिवार के साथ किसी तरह की धार्मिक यात्रा या विदेश यात्रा पर भी जा सकते हैं। और यदि आप अपने माता पिता को किसी तरह की धार्मिक यात्रा कराते हैं तो वह आपके भाग्य में वृद्धि करेगा। बस जो है, आप अपने माता पिता के स्वास्थ्य का भी थोड़ा सा ख्याल रखें क्योंकि इस वर्ष हो सकता है कि उनके मेडिकल एक्सपेंसेस थोड़े से हो सकते हैं, तो इसलिए थोड़ा सा ख्याल जरूर रखें। और यदि वैवाहिक और प्रेम संबंध के बारे में बात करें तो आपको इस तरफ थोड़ी सी ऊर्जा डालने की सख्त ज़रूरत है क्योंकि जॉब ने और बिजनेस ने आपको इस तरफ थोड़ा सा बेरुखा बना दिया है। तो इस वर्ष अपने परिवार के लिए कुछ ऐसा प्लान जरूर करें कि उनको आपका पूरा साथ और सहयोग मिल सके। और फ्रेंड्स, यदि धन संबंध के बारे में बात करूँ तो क्रेडिट कार्ड के ओवर यूज़ और EMI पर चीज़ें लेने से जितना दूर हो सकता है उतना दूर रहें और अपने इनकम में और सेविंग में एक बैलेंस बनाने की कोशिश करें। और यदि आप कोई नया वाहन लेने के बारे में प्लान कर रहे हैं तो नया वाहन तभी लें जब वह आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो और बहुत ज़्यादा लंबे समय के लिए भी EMI ना लें। दोस्तों, ये वर्ष मेडिकल, हेल्थ, ट्रैवल, आर्ट, सिनेमा, थिएटर, इन सभी फील्ड्स के लिए काफ़ी अच्छा रहने वाला है। और यदि आप इन सभी फील्ड्स से
जुड़े हुए हैं तो आपको काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिलने वाला है। और इस वर्ष आप अपनी कोई एक हॉबी ज़रूर पूरी करें, यदि आपको किसी चीज़ का शौक़ है तो उस तरफ अपनी एनर्जी ज़रूर लगाएं, इससे आपको काफ़ी अच्छी ऊर्जा मिलेगी और मन भी खुश रहेगा। दोस्तों अभी आप साढ़े साथी के दूसरे चरण से गुजर रहे हैं, जिसकी वजह से हो सकता है कि कुछ चीज़ों को पाने के लिए आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट करना पड़ता हो सकता है कि थोड़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती हो, कभी कभी कुछ चीज़ों को लेके आपको थोड़ी सी समस्याओं का सामना भी करना पड़ता हो। पर मैं आपसे इतना ही बोलूँगा कि प्लीज़ अपने जॉब, बिजनेस और अपने परिवार के बीच में जितना हो सके उतना बैलेंस बनाने की कोशिश करें, अपने लिए और अपने परिवार के लिए समय ज़रूर निकालें। और जो आपकी जो ऊर्जा है वो आप देखेंगे कि उसके अंदर काफ़ी अच्छा इजाफा हो रहा है, और जो चीज़ें आप कर रहे हैं, क्योंकि क्या होता है कि शनि चीज़ों को डिले करवाता है, शनि आपसे सब्र चाहता है, शनि आपसे पेशेंस चाहता है, आपके पेशेंस का टेस्ट लेता है। तो बहुत जल्दी किसी चीज़ को यदि आप कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे तो आप देखेंगे कि उस काम के अंदर उतनी ही ज़्यादा समस्या आ रही है। तो अपनी जो पेस है उसको थोड़ा सा ट्यून अप करें और अपने लिए समय ज़रूर निकालें, परिवार के लिए समय ज़रूर निकालें। और जब आपको लगे कि हाँ अब आप पूरी एनर्जी फील कर रहे हैं, तब उस समय यदि आप उस काम को करेंगे तो आप देखेंगे कि वो काम करने में आप 100% सक्सेसफुल हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि आप साढ़े साथी के दूसरे चरण से गुजर रहे हैं, इसमें क्या है कि शनि जो है वह आपके लग्न में है और वहाँ से वह आपके सप्तम भाव को देख रहा है, और इसकी वजह से वह क्या कर सकता है कि आपके वैवाहिक जीवन में, आपके प्रेम संबंध में थोड़ी सी अड़चन पैदा कर सकता है। कई बार बिना बात के भी जो है मन मुटाव हो सकता है, और जिसकी जो मेन वजह है वह है आपका वर्कलोड है, जो मानसिक तनाव है उसे प्लीज़ आप दूर ही रखें घर से, अपने वैवाहिक जीवन से, अपने प्रेम संबंध को उसके बीच में ना आने दें, और थोड़ा सा समय ज़रूर अपने परिवार में एक्स्ट्रा दें और थोड़ा सा उन्हें सहयोग करें, उनकी बातें सुनें कि परिवार में क्या चल रहा है। और यदि आप अपने आप को अपने परिवार में पूरा इन्वॉल्व करेंगे, अच्छे से समय देंगे, तो आप देखेंगे कि जो समस्या है वह अपने आप ही दूर हो गई हैं। तो ये सिर्फ जो साढ़े साथी है उसका एक प्रभाव है जो इस एरिया को थोड़ा सा इफेक्ट कर रहा है, और आप यदि बैलेंस बनाने की कोशिश करेंगे तो वह दूर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में आपके लिए इतना ही, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और यदि आपका कोई सुझाव है तो उसे भी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, ताकि मैं अपने आने वाले सभी नए वीडियोस इम्प्रूव कर सकूं। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें और बेल आइकन को भी ज़रूर क्लिक करें, इससे आपको मेरे आने वाले सभी नए वीडियोज़ के बारे में तुरंत पता चल जाएगा। तो जल्दी मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।